जैसा कि यह क्वेश्चन दिख रहा है, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। ये वाला जो आइसोमेट्रिक, इसको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में चेंज करना है, वो भी किस एंगल में जी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको ड्रॉ करना है। तो ध्यान देंगे जी कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, तो स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग। सबसे पहले हम लोग एक रफ वर्क यहाँ पे करते हैं जी, रफ वर्क करते हैं कि मेरा फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा। देन ये मेरा मान लीजिए ये वाला एक ग्राफ हो गया, लगभग फ्रंट व्यू हमारे यहाँ पे, तो फ्रंट व्यू हमारे यहाँ पे बनेगा। देन साइड व्यू इसके जस्ट बगल में, देन टॉप व्यू कहाँ बनता है जी, फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर हमारा टॉप व्यू बनता है। देन टॉप व्यू के बगल में क्या बनता है, चेकिंग बॉक्स। देखिए इस ये ईसाई हमारा क्या होगा जी, सेम टू सेम ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। तो ध्यान देंगे जी, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी, ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी, ग्राफ, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने से पहले ग्राफ, जो ग्राफ बनता है हमारा कितना जी, 5 mm के रेशियो पे बनता है जी। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे जी, इसको क्या कीजिए और ऊपर आप लोग ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देंगे जी, एक्स एक्सिस हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद ध्यान देंगे जी, इसके जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का दूरी ले लेंगे जी, यहाँ पे और फिर इधर भी। यानी कोई भी हमको ग्राफ बनाने के लिए 3 एक्स एक्सिस लाइन, ये वाला कौन सा लाइन है जी, इसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं जी। जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है उसको वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ग्राफ मेरा यहाँ पे एक बन गया, सॉरी ये एक्स एक्सिस अभी निर्माण हुआ, अभी ग्राफ नहीं रेडी हुआ, जो ऑर्थोग्राफी व्यू बनाना है हमको ग्राफ अभी रेडी नहीं हुआ। देन उसके बाद ध्यान देंगे जी, इसको पेज को थोड़ा सा हल्का और ऊपर कर लेंगे जी। उसके बाद बीच में कहीं भी एक पॉइंट मान लीजिए, देन पॉइंट मानने के बाद इसको सेट स्क्वायर को बीच में रखेंगे जी, और बीच में रखने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम टू सेम इसके अपोजिट साइड में भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, यानी यहाँ पे कि ये है, सेम टू सेम इसके उल्टा दिशा में ध्यान देंगे जी। इधर यहाँ पे भी हमारा ये हुआ। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से, जो मार्किंग किए हैं इन दोनों को एक दूसरे से हम लोग मिला देंगे, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, इसके जस्ट और लेफ्ट और राइट में, यानी राइट साइड में और फिर लेफ्ट साइड में भी 5 mm का डिफरेंस लेंगे। फिर यहाँ पर भी सेम कार्य करेंगे जी दोनों साइड में। ये वाला हमारा जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, इसको वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं जी, वाई इधर देन वाई डैश इधर होता है, क्लियर हुआ जी। तो इधर भी हम कितना 5 mm का ही गैप लेते हैं, क्लियर हुआ जी। ये मेरा क्या हुआ, ग्राफ बन के रेडी हो चुका जी। अब ध्यान देंगे जी, अब फिगर ध्यान देंगे जी, फिगर में कौन कितना mm दिया है। देखिए ये टोटल आपका हाइट कितना दिया है जी, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाइट टोटल कितना दिया है। तो हाइट ध्यान देंगे जी, इसका टोटल हाइट ये 45 देन ये 10 mm है, तो 40 यानी 45 और 10 कितना हुआ जी, टोटल हमारा 55 हुआ जी। तो देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, ये तो आपको 45 का ये ब्लॉक लेंगे फर्स्ट, देन उसके बाद हमारा 10 mm का, उसके बाद क्लियर। उसके बाद देखिए फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना है, 27.5, 25.5 और 27.5, तो उतना ही मेजर में, यानी टोटल मिल के हमारा कितना है जी, 90 है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट है, यहाँ पे टोटल मेजरमेंट मार्किंग कर लेंगे जी, यानी हमारा टोटल ये 10 × 20 = 5, 25, 26, ये 27, देन इधर से भी हमारा ये 27। उसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ से 5, देन इधर से भी मेरा ये 5 हुआ, क्लियर हुआ जी। और बीच में जो बच गया सो हमारा कितना हो गया जी, बीच में जो बच गया है हमारा ये, तो 25 बीच में ये कितना बच गया, 25। अब देखिए, अब यहाँ से सभी से क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो दोनों सेट स्क्वायर की आवश्यकता होगी जी। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ से सबसे पहले सेट स्क्वायर को तो ऐसे रखिए, यहाँ पे जो भी ये मार्किंग किए हैं, यहाँ से हम लोग एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जी, यहाँ से ध्यान देंगे जी, इधर से हमारा ये हो गया। देन उसके बाद ये जो भी है हमारा जी, सॉरी इसको और इधर तक लेके जाएंगे जी, उसके बाद ये भी है जो हमारा, यहाँ से इसको भी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जी, यहाँ से हमारा इधर, देन इधर भी, उसके बाद ध्यान देंगे जी। ये तो हम टोटल मेजर किए थे कितना जी, टोटल था हमारा 19, तो 19 हमारा लास्ट पॉइंट कहाँ था जी हमारा, इसको मार्किंग कर देंगे, टोटल लास्ट पॉइंट यहाँ पे था मेरा। उसके बाद देखिए, जो भी ये मार्किंग किए सभी को क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सभी को, प्रॉपर जहाँ से मार्किंग किए हैं जी, सभी जगह से हमको प्रॉपर परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। देखिए ये बना रहे हैं जी, ये बनाने का सबसे आसान तरीका है जी, इस तरह बनाइएगा तो आप लोगों का फिगर कभी भी गलत नहीं होगा जी। तो आप लोग कोशिश कीजिए, थोड़ा वीडियो को सही से वॉच कीजिए तब समझ में आएगा जी, नहीं तो वीडियो देख लेता है सब लोग, बच्चा सब, और बोलता है सर हमको समझ में ही नहीं आया जी। तो ध्यान से देखिए, वॉच कीजिए,
एक ध्यान से देख के वाच कीजिएगा तो कम्प्लीटली समझ में आएगी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद ध्यान दीजिए, ये फ्रंट व्यू है हमारा। यहाँ फ्रंट व्यू में देखिए, ये जो बुंदा बुंदा है जी वही दिखाई दे रहा है। कहाँ से जी? फ्रंट व्यू से। ये जो यहाँ पे मार्किंग किया, ये वाला ब्लॉक, ये वाला, तो ये वाला हमारा कितना है? 90 बाई, हमारा 90 बाई 10 का ब्लॉक है। तो ये टोटल हमारा 90 हुआ जी। तो इसको हम लोग यहाँ से डार्क कर लेंगे जी। इसके बाद यहाँ से भी हमारा ये क्या है जी, टोटल 90 है। क्लियर हुआ जी? इसके बाद देखिए, ये 90 बाई 10 का ब्लॉक हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ये वाला ब्लॉक है। तो इधर से ध्यान दीजिएगा कितना कितना का है जी। इधर से हमारा टोटल मेजरमेंट है, ये देखिए, ये 35 है, टोटल 35 बाई 45 का ब्लॉक। तो ध्यान देंगे जी, इधर से हमारा ये तो हमारा देखिए, ये 25 है दन, तो ये वाला हमारा ब्लॉक यहाँ से ये हुआ 35 है जी, और ये टोटल हमारा 45। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला ब्लॉक देखिए, फ्रंट व्यू से देखने पे हमको बस इतना ये ब्लॉक और ये ही ब्लॉक दिखाई दे। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, ये फ्रंट व्यू से ये क्या होगा जी, ये वाला जो यहाँ से देखिए 5 mm का ये जो गैप गया, ये भी क्या है जी, अंदर इधर पीछे भी बना होगा। तो पीछे हम जानते हैं छिपे हुए भाग को किससे दिखाते हैं जी, जो छिपा हुआ भाग है उसको दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं जी, तो हिडन लाइन का यूज किया जाता है। क्लियर मैंने? तो इधर से 20 है, कहाँ से जी, यहाँ से 20, देखिए यहाँ से ये 20 गया जी, तो 20 छोड़ के तो आप इधर से क्या करेंगे जी, इधर से हम लोग अभी इतना समझिए जी, अभी बाद में बनाएंगे लो बाकी भाग को। ये वाला हमारा इतना तक क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग इसका डायमेंशनिंग कर देंगे तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा जी, कौन कितना भाग बना है। तो आप लोग थोड़ा सा इधर बारीकी से ध्यान दीजिएगा जी, आप लोगों का यहाँ से ये हमारा यहाँ से ये ब्लॉक देखिए, उसके बाद इसको क्या कीजिए, इसको हम लोग अब ये वाला हमारा क्या हो गया जी, ये एक्सटेंशन लाइन था, दिन ये डायमेंशन लाइन था, और ये वाला जो दिखा रहे हैं आप ये एरो हेड है। तो हम लोग प्रॉपर सभी को दिखाएंगे जी कि आप लोगों को डायमेंशन समझने में प्रॉब्लम है। यहाँ था 27.5 था, देन ये था 5, ये था 25, देन ये 5 था, ये 27.5। क्लियर भाई? ये वाला हमारा कौन सा व्यू था जी, ये फ्रंट व्यू। क्लियर भाई? तो ये फ्रंट व्यू का ये इधर का डायमेंशन हो गया रेडी। उसके बाद ध्यान देंगे, अब साइड व्यू से देखिए, साइड व्यू से सेम टू सेम ऐसा ही ब्लॉक बन गया, लेकिन ये क्या होगा जी, थोड़ा सा ये जो डिस्टेंस इधर इतना है ना, तो इधर थोड़ा कम कम डिस्टेंस, इधर टोटल जोड़िएगा तो 75 ही है, यानी 75 ही इसका बेस दिया। इस कितना था जी, टोटल ऐड कीजिएगा तो ये 90 होगा जी, फ्रंट व्यू का बेस 90 होगा। तो क्लियर हुआ जी? तो अभी हम लोग साइड व्यू देखेंगे, साइड व्यू को 20, 5, 25, 5 और 20 में, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे जी, मार्किंग कर लेंगे 20, 5 देखिए, तो 10, 10, 20, 5। क्लियर हुआ जी? 10, 10, 20, 5, 25 देखिए इतना दिया इधर से। अब ध्यान देंगे जी, जैसे हम इसको सभी को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे, उसी तरह इसको भी हम लोग क्या करेंगे जी, ये वाला भी यहाँ से सब किसी को, ये जो भी मार्किंग किया है सभी से क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर कीजिए आप लोग। तो जो भी मार्किंग किए हैं जी, ये ना कि आप लोग एक्स्ट्रा कीजिए, ऐसा भी नहीं है। देखिए सेम टू सेम फिगर, ये इसी ऐसा ही फिगर इधर भी बनेगा जी, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझने क्या फिर है जी। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान देंगे जी, अब इसको डार्क कीजिए। तो सबसे पहले ये हमारा 75 बाई 10 का ये ब्लॉक बन रहा है जी, ये कितना है जी, 75 बाई 10 का। तो ये वाला हमारा टोटल कितना हो गया जी, 75, दोनों साइड में 10 10 हो गया। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, इधर से देखिए, इधर से 20 है, फिर इधर से 20 है, तो हमारा ये कितना है जी, 35। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये टोटल 35 बाई 45 का ब्लॉक यहाँ पे हमारा ये बॉक्स बन के रेडी होगा जी। प्रॉपर वाच कीजिएगा तभी समझ में आएगा जी, ये ब्लॉक हमारा कितना का बना जी, 35 बाई 45 का ये ब्लॉक रेडी हुआ। देखिए इतना क्लियर हुआ जी? देन इसका भी डायमेंशन आप लोग दिखा दिया कीजिए। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ वही सेम रेशियो जी, 5 और 10 का रेशियो, ऐसे रेशियो होता है 3 और 6 का, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए जी 5 और 10 का रेशियो बताते हैं जी। तो प्रॉपर वाच कीजिए, ध्यान दीजिए लोग, देखिए यहाँ पे जो भी है सबको डायमेंशन प्रॉपर दिखाएंगे जी, क्योंकि डायमेंशन पे ही पूरे फिगर का ये मेजरमेंट इन्वॉल्व रहता है जी,
एग्जामिनर आपको आपका डायमेंशन ही चेक करता है जी। तो आप लोग प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला हमारा, ये तो सब एक्सटेंशन लाइन था, अब ये वाला हमारा क्या है जी, डायमेंशन लाइन। देन उसके बाद ये वाला हमारा क्या हुआ जी, एरो हेड हो गया, एरो हेड जो तीर आप लोग बोलते हैं जी, तो लेकिन इंजीनियरिंग लैंग्वेज में उसको एरो हेड बोला जाता है जी। क्लियर हुआ जी, एरो। उसके बाद ये था हमारा 20, देन 5, देन 25, देन 5, देन 20। क्लियर हुआ जी। अब ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, ये वाला हमारा साइड व्यू। क्लियर हुआ जी। तो हमारा साइड व्यू और देन फ्रंट व्यू हमारा, देखिए जो भी लाइनिंग से दिखाया है वो सभी सभी। देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये वाला अंदर क्या है जी, ये वाला अंदर, ये वाला जो ये ब्लॉक है जी, अंदर क्या है जी, ये खोखला टाइप का है। देखिए यहाँ से ये इसका दिखाने का मतलब क्या है जी, अंदर ये जो है जी होल टाइप का है। तो होल किधर से, फ्रंट से भी होल दिखाई देगा, देन साइड से भी ये खोखला दिखाई देगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे हिडन से हम लोग दिखाते हैं, तो प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्या होगा जी, इसी के भाग में क्या अटैच है, इसके बगल में सटा हुआ भाग है, तो इसको हम हिडन से दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा हिडन से, हिडन से कैसे दिखाएंगे वहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, देखिए ये वाला क्या है जी, लंबवत ये है, तो इसको क्या, इसके बीचों बीच में क्या कीजिए, एक एक जो बीचों बीच है जी, एक यहाँ पे क्या देंगे, ये जो अंदर गया है जी होल टाइप का है, तो इसको बीचों बीच में हम इसको एक लाइनिंग के थ्रू हम लोग दिखा देंगे जी। तो हमारा टोटल 35 है, तो देन 15 दूना 30 और 17.5, देन इधर भी कितना ले लेंगे जी, 17.5। अब ये हो गया जी, इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, किस लाइन से दिखाते हैं जी, डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये क्या है जी अंदर वाला भाग है ना इसको, ये जो है तो इसको क्या है डॉटेड लाइन से हम लोग दिखाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा जी कैसे बन रहा है, ऐसा ही सेम टू सेम जैसे बता रहे हैं वैसा ही आप लोग भी प्रॉपर बनाइएगा। क्लियर हुआ जी। देन इधर भी वही सेम प्रोसेस करेंगे जी, देन यहाँ पे भी क्या करेंगे 17, देन इधर भी 15 दूना 30। क्लियर हुआ जी। इसको भी हम लोग यहाँ से डॉटेड से दिखाएंगे जी। क्लियर हुआ जी। देखिए यहाँ पे इतना हमारा क्या है, ये फ्रंट बना, ये साइड बना। उसके बाद ध्यान दीजिए एक और पार्ट यहाँ पे छूट रहा है जी, जो ये अंदर वाला ब्लॉक है, तो दोनों साइड से 5.5 mm का, देन नीचे से हाइट कितना है ये क्लियर नहीं है जी। तो नीचे से हाइट देखिए, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नीचे से जो हाइट है जी ये कितना है जी, ये 10 है। तो यहाँ से नहीं, अब यहाँ से 10 लेंगे, कितना लेंगे जी, यहाँ से इस सेंटर से हम 10, तो यहाँ से हम कितना लेंगे जी, 10। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे हम बना रहे हैं जी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो किस लिए जी, वो जो छिपा हुआ भाग अंदर वाला ये जो ब्लॉक बना है उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ जी। तो छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं जी, हिडन लाइन का। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला ब्लॉक हमारा ये क्या है जी, अंदर वाला बना है, ये वाला सभी बनाना अनिवार्य है जी। ये मत समझिएगा आप लोग कि हाँ कि इतना बन गया मेरा फिगर रेडी हो गया जी, तो रॉन्ग हो सकता है। तो ये वाला हमारा यहाँ से क्लियर हुआ जी, इस टाइप में हमारा ये फ्रंट और साइड हमारा क्लियर हुआ फिगर। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद जो डायमेंशन है जी, इधर हम लोग डायमेंशन इसका ड्रॉ कर दे रहे हैं जी, या आप इधर भी कर सकते हैं डायमेंशन इसको। यहाँ पे ये वाला हमारा एरो हेड है जी, तो ये वाला हमारा 10 था, देन ये वाला हमारा 45। क्लियर हुआ जी। देखिए प्रॉपर आप लोगों ये फ्रंट और साइड क्लियर हो जाए। उसके बाद देखिए हम जानते हैं जी साइड व्यू के जस्ट ऊपर क्या बनता है हमारा, चेकिंग बॉक्स बनता है। तो चेकिंग बॉक्स के लिए क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल पहले ड्रॉ करेंगे। तो चांद की सहायता से आप लोग 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे 45 हमारा, देन 40, देन 45। ये क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, यह है सबको एक दूसरे से यहाँ से इसको मिलाते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ा दें। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान दीजिए, इधर से जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, इस सभी लाइन को ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर लाइन बढ़ाएंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे, जहाँ तक ये 45 डिग्री का एंगल जो बना है उस एंगल वाले लाइन को ना टच करें, वहाँ तक हम लोग सबको प्रॉपर बढ़ाएंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से भी इसको क्या करेंगे जी, ये जो बीचों बीच में है इसको यहाँ से हम, देखिए ये तो बाकी सब क्या है ऑलरेडी मिला हुआ है, इसको इतना भाग है हमारा। अब देखिए ये जो भी रेखा मिली है जी, अब वहाँ से सभी को क्या करेंगे जी, सेट स्क्वायर को रख के इसे बेस लाइन से सबको मूव करा देंगे जी, हमारा क्या हो जाएगा फिगर बन के तैयार हो जाएगा जी। जैसे देखिए, जैसे देखिए ये वाला हमारा हुआ, तो यहाँ से हमारा मूव करा दिए जी ऐसे। देन ऊपर वाला पे भी सेम प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ से भी हम लोग इसको ऐसे बढ़ा देंगे। फिर ये भी है हमारा जी, तो इसको भी हम लोग
यहाँ से ऐसे बढ़ा देंगे, क्लियर हुआ जी। देन इसको भी यहाँ से है, ये पहले आप लोग बैठा के यहाँ से सेट स्क्वायर को बैठाने के बाद ही आप मिलाइएगा, न कि आप लोग डायरेक्टली मिलाइएगा जी। जो भी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ये सभी क्या जी सेट स्क्वायर ऐसे बैठा कर ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जी। आप लोग इधर उधर कीजिएगा, डायरेक्ट मिलाइएगा तो गलत हो सकता है, तो आप लोग प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे, क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा इस टाइप का ब्लॉक बना, उसके बाद देखिए डार्क करेंगे, टॉप से दिखने पे हमको क्या क्या दिखाई देगा। तो सबसे पहले ध्यान, टॉप से तो एक और दो को ब्लॉक दिखाई देगा जी, ये वाला ब्लॉक। उसके बाद ये चारों तरफ से स्पेस दिखाई देगा, ये चारों तरफ से। तो हम पहले चारों तरफ वाला ब्लॉक बना लेते हैं जी, बॉक्स कलर कर देते हैं, यानी कलर किस पेंसिल से, जो मोटी पेंसिल चलती है उससे हम लोग डार्क करते हैं। तो चारों तरफ से हम इसको डार्क कर देते हैं, यानी हाईलाइटेड कर देते हैं, दिखा देते हैं हाईलाइटेड से जी, क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हमारा यहाँ से ये वाला क्या हो जी, ये साइड वाला ब्लॉक बन गया। देन आप बीच में देखिएगा, इधर से 35 देन इधर से 35, तो बीच में 35-35 का ब्लॉक बना है। तो देखिए ये वाला 35 यहीं से गया, फिर ये वाला भी 35 गया है। तो सबसे पहले हम इन 35 वाले, ये भी हमारा कितना है जी, 35 है दोनों साइड में, 35 देन 35। तो ये वाला ब्लॉक तो हमारा यहाँ पे बन गया, फिर हमारा यहाँ पे भी ये ब्लॉक बन गया जी, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा ब्लॉक, ये वाला, ये कौन है जी, ये वाला ब्लॉक है। उसके बाद देखिए ये अंदर वाला भी ब्लॉक, ये वाला दोनों सभी जगह से कितना है, 5 mm का गैप है जी। तो 5 mm का ये इधर से फिर इधर से भी, फिर हमारा ये भी है, तो दोनों बगल से लेफ्ट राइट से 5 mm का, फिर ये भी क्या है जी, 5 mm का गैप, क्लियर हुआ जी। ये हमारा फिगर क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ध्यान दीजिए जी, उसके बाद ये जो देखिए ये वाला जो लाइन दिया है, तो यहाँ पे भी है, तो इसको क्या करेंगे जी, इसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे जी, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, क्लियर हुआ जी। तो ऐसे ब्लॉक हमारा बन के रेडी हुआ। देखिए ये मेरा एक्स्ट्रा इधर चला गया जी, इसको हम इसको इरेज कर सकते हैं। देखिए ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, टॉप व्यू है, क्लियर हुआ जी। देखिए हमारा फिगर क्या हुआ जी, बन के 100% रेडी हो चुका है। इसके बाद नीचे लिख देते हैं जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन है जी, वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका है। ओके फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। यानी ये वाला आइसोमेट्रिक जो व्यू है, हम इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के फर्स्ट एंगल में हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम लोग समझेंगे जी। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को सॉल्व किए थे जी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग ये क्या करते हैं जी, रफ वर्क करते हैं जी, कौन व्यू मेरा कहाँ बनेगा जी। तो ध्यान दीजिएगा, इसी ये फ्रंट व्यू है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या बनता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये यहाँ पे बनेगा, देन इसके जस्ट बगल में साइड व्यू बनेगा, देन फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे टॉप व्यू बनेगा, क्लियर हुआ जी। इतना तक क्लियर। देखिए ये जो भी फिगर मेरा बनेगा, इसी ये मैंने एक काल्पनिक लगभग क्या है जी, मेरा यहाँ पे एक काल्पनिक ये ग्राफ बना चुके हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चतुर्थांश, ये चार चतुर्थांश में बाद दिए, वैसा ही हम लोग यहाँ पे सेट स्क्वायर की सहायता से ग्राफ बनाएंगे, देन ग्राफ बनाने के बाद हर स्टेप को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं जी। तो ग्राफ बनाने का सेम रूल है जी, जैसे हम लोग पिछला बार बना रहे थे जी, पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाया, सबसे पहले एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे जी। एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये मेरा एक एक्स एक्सिस लाइन हो गया। देन इसके जस्ट अपोजिट साइड में ऊपर और नीचे 5 mm का डिस्टेंस रखेंगे, दोनों साइड में वही काम कीजिए। देखिए इधर भी 5 mm, देन इधर भी 5 mm, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद हमारा यहाँ से ये लाइन हुआ, देन उसके बाद हमारा इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्लियर हुआ जी। तीन एक्स यानी एक्स और एक्स डैश, इसको एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाता है, क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद इसके बीचों बीच में एक सेंटर पॉइंट लीजिए, और सेंटर पॉइंट लेने के बाद सेट स्क्वायर की सहायता से आप इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे भी, और देन यही सेम प्रोसेस ऊपर भी करना है। तो सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, यहीं पे घुमा दीजिए, और घुमाने के बाद इसको बीचों बीच में रखेंगे, और देन यहाँ पे हमारा 90 डिग्री, क्लियर हुआ जी। अब दोनों को एक दूसरे से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें, क्लियर हुआ जी। अब ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे दोनों साइड में 5 mm का गैप, देन ये भी सेम प्रोसेस नीचे भी, इन दोनों पॉइंट को जो भी मार्किंग पॉइंट है मेरा इन सभी को एक साथ में ड्रॉ करेंगे जी। फिर यहाँ बगल वाला भी जो मार्किंग किया है जी, बगल में जो मार्किंग पॉइंट है दोनों, इसको देखिए ये वाला मेरा ग्राफ बन के रेडी हो चुका। ध्यान दीजिएगा ये वाला हमारा, ये वाला एक्स एक्स डैश हो गया, देन ये वाला वाई और वाई डैश, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हुआ, क्लियर हुआ जी। जो क्षैतिज रेखा है वो एक्स एक्सिस है, देन जो लंबवत रेखा है परपेंडिकुलर लाइन ये वाला हमारा वाई एक्सिस है, क्लियर हुआ जी। हम लोग ध्यान देंगे जी कैसे क्या बनाएंगे जी। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था इसी आइसोमेट्रिक व्यू को, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर वॉच कीजिएगा। यहाँ से ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोगों ने ड्रॉ किया था, तो अब क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए रफ वर्क किया है ना जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब ये क्या होता है फ्रंट व्यू में, सॉरी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, कॉर्नर में चेंजिंग होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल में इधर चला आया है, देन ये वाला चेकिंग बॉक्स यहाँ पे आया, क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये वाला साइड व्यू यहाँ पे चला गया है, कहाँ पे जी, फर्स्ट एंगल में, और यहाँ का टॉप व्यू है जो कहाँ चला गया जी, फर्स्ट एंगल में नीचे आ गया। तो समझ में आ रहा है जी ये क्या होता है जी, तिरछा तिरछी यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है जी, चेंजिंग होता है जी, क्लियर हुआ जी। ये तिरछा तिरछी अगर इसी को हमको ले जाना होगा थर्ड एंगल में तो सेम टू सेम ऐसा होगा, और वहीं इसको फर्स्ट एंगल में ले जाना होगा तो ऐसे। तो हम लोग देखेंगे ग्राफ में, हम लोग ये फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू हमारा फर्स्ट एंगल में यहाँ पे बनेगा, देन साइड व्यू यहाँ पे और टॉप व्यू यहाँ पे बने। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जी, कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको आप साइड में हटाइए, देन प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। फ्रंट व्यू हम जानते हैं जी कहाँ बनेगा हमारा, फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा। तो फ्रंट व्यू का सबसे पहले हम लोग बेस देखते हैं कितना कितना का है जी, तो प्रॉपर बेस का मार्किंग कर लेंगे, 27.5, 25.5 और 27, 27 नहीं है जी, 27.5 है। तो आप लोग इस भरम में मत रहिएगा कि हाँ 27 है, 20-30 ये वाला हमारा इधर 27.5 है, देन ये होगा, क्लियर हुआ जी। उसके बाद बीच में जो बच गया सो 5, क्लियर हुआ जी, इधर मार्किंग है। उसके बाद इसका हाइट ध्यान दीजिए, इसका हाइट टोटल किया 45 और 10 55 है, तो टोटल हाइट हम लोग ध्यान देंगे जी। उसके बाद हाइट टोटल हमारा 55 है, तो इसको सबसे पहले 10 ले लेंगे, देन हमारा ये हुआ, क्लियर हुआ जी। तो इसको ध्यान देंगे जी, फिर हम यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हाइट है हमारा इसको भी 10 लेंगे जी। हम बताएंगे आप लोगों को कैसे ये 10 लिए हैं, क्यों लिए हैं जी। देखिए अभी इतना तक मार्किंग कर चुके हैं, देन मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से क्या कीजिए जी, इसको सभी को बेस मानते हुए यहाँ से, और जो भी मार्किंग पॉइंट है, जो भी मार्किंग पॉइंट है सभी से क्या कीजिए, परपेंडिकुलर लाइन, सभी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये वाला जो भी है, जो भी मार्किंग पॉइंट है सभी से हम लोग, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पे जो हमारा लाइन है ये वाला, अब यहाँ से भी सेम क्या कीजिए, यहाँ से भी हम लोग लगभग बेस लाइन लेते हैं, तो इधर भी हुआ, देन हमारा इधर भी हुआ, क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से भी देखिए, आप लोग डायरेक्ट आप लोग मत खींचिएगा, क्योंकि मेरा क्या है जी, यहाँ पे पूरा यहाँ पे क्या है जी, ये सभी को डार्क करेंगे आप लोगों, तो काफ़ी बेटर क्लियर होगा जी। देखिए क्लियर हुआ जी, अब ध्यान देंगे जी फ्रंट व्यू से हमको देखने में कौन कौन सा व्यू दिखाई देगा, तो इधर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। फ्रंट व्यू से सबसे पहले ये कितना का ब्लॉक दिखाई देगा जी, 90x10 का, तो 90x10 को हम इसको डार्क कर लीजिए, 90x10 ये वाला हमारा टोटल हो गया जी, 90 हो गया, देन ये वाला हमारा 10 हो गया जी, तो 90x10 का ब्लॉक बन गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये वाला देखिए 25, 5, 30 और 5, 35, ये देखिए यहाँ से जो गया है जी, फिर यहाँ से, तो ये बीच में कितना है जी, 35 का ब्लॉक बना हुआ है जी। तो हम क्या करेंगे जी, देखिए मेरा पेंसिल का नोक थोड़ा सा, ये 35 का ब्लॉक बन गया जी, कौन सा, 35x45। तो आप लोग यहाँ से मेजर भी कर सकते हैं मेरा 35x45 है कि नहीं, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला भाग हो गया क्लियर। उसके बाद ये वाला जो अंदर वाला भाग है क्या है जी, खोखला टाइप का है, ये कहाँ से है, साइड से भी, सॉरी फ्रंट से भी दिखाई देगा, देन साइड से भी, ये क्या है जी, खोखला भाग है। तो ये वाला खोखला भाग, ये दोनों साइड से क्या है, 5, 5, तो इधर से भी 5, फिर इधर से भी 5,
तो हम जानते हैं छिपा हुआ भाग है, तो इसको किस लाइन से दिखाएंगे जी? हिडन लाइन से। क्लियर हुआ जी? यानी छिपे हुए भाग को किस लाइन से दिखाएंगे? हिडन लाइन से। क्लियर हुआ जी? और देखिए ये वाला जो 10 है, तो ये इसका भाग भी क्या होगा जी? इधर पीछे क्या होगा जी? ये सॉरी, इसका जो अंदर वाला, तो ये भी इसमें ये 10 इन्वॉल्व रहेगा ना, तो वहीं हम लोग यहाँ से दूरी सो लिए हैं, वो 10 है। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, इसको दो भाग में, देखिए यहाँ से एक लाइन गया है जी नीचे, तो पूरा इसको दो भाग में डिवाइड कर रहा है जी, किसको? प्रॉपर दो भाग में डिवाइड कर रहा है। तो 45 हम देख लेंगे कहाँ रहा है जी मेरा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे जी, 45 मेजर करके, और यहाँ से हम लोग, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी। अभी हम लोग इसको देखिए, मेरा काम है अभी इतना तक, तो इतना ही हम लोग करके रहने देंगे जी। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए इतना क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा क्या है जी, फ्रंट व्यू बन के रेडी हो चुका। उसके बाद देखिए, उसके बाद साइड व्यू हम लोग बनाएंगे, ये साइड व्यू। तो साइड व्यू ये कहाँ बनेगा जी? यहाँ पे बनेगा। तो साइड व्यू का टोटल बेस कितना दिया है? 75 है जी। और 75 को कितने भाग में बांटा है जी? तो सबसे पहले तो 20 भाग, देन उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद हमारा कितना है जी? 25 है। क्लियर हुआ जी? फिर उसके बाद 5 है, देन हमारा ये क्या है जी? 20 है। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए, ये जो है दूरी हमारा, इसको यहाँ से दूरी भर लीजिए सेट स्क्वायर में। इसको दूरी भरने के बाद इसको इसको यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। देखिए सभी से जो पॉइंट हमारा है जी, सभी जगह से प्रॉपर यहाँ से मिलाएंगे जी। क्लियर हुआ जी? अब साइड व्यू से देखिए, साइड व्यू से जैसे ये फ्रंट व्यू से क्या हुआ है जी, सेम टू सेम ये दिखाए, सेम टू सेम यही जो देखिए लाइनिंग द्वारा दिखाया है, तो सेम टू सेम साइड व्यू से भी ऐसा ही बॉक्स। तो ये क्या है, 75x10 का बॉक्स सबसे पहले बनेगा। तो ये वाला हमारा 75 हो गया जी, फिर ये वाला अभी हमारा 75 हुआ। क्लियर हुआ जी? देखिए 75x10 का ये ब्लॉक बन गया। उसके बाद देखिए ये वाला भी ब्लॉक हमारा सेम टू सेम यहाँ पे ये जैसा बना है, सेम टू सेम साइड व्यू से भी वही दृश्य दिखाई देगा। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो हमारा हिडन लाइन क्या है जी यहाँ से, तो इसमें भी सेम कंडीशन होगा जी। हिडन लाइन हमारा क्या होगा जी, ये वाला छिपा हुआ भाग है, तो इसको हम, तो हम जानते हैं जी छिपे हुए भाग को किस लाइन से दिखाते हैं जी, तो हिडन लाइन से। तो हम लोग इसको हिडन से दिखा दें। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, ये भी क्या है जी, ये लंबवत है, तो अंदर की तरह होल टाइप का है, तो यहाँ से भी बीचों बीच में क्या होगा जी, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 35x70 देन हमारा 37, फिर हम यहाँ पे भी वहीं हम दूरी यहाँ पे भी 35x70 और आपका इतना ये। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, ये वाला लाइन है जो डॉटेड से लाइन है, तो डॉटेड लाइन कैसे दिखाया जाता है जी, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, देखिए इस लाइन से हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ पे भी हम लोग सेम उसी तरह इसको करें, हम यहाँ पे गलत किए हैं जी थोड़ा सा। क्लियर हुआ जी? देखिए यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, हम जैसे जैसे दिखा रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को भी दिखाना है। क्लियर हुआ जी? आप ध्यान दीजिए, तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फ्रंट व्यू एंड देन साइड व्यू, सेम टू सेम देखिए आकृति दिख रहा है कि नहीं जी, सिर्फ इसका बेस 75, इसका बेस 90 है। अब इसको डायमेंशन के रूप में हम लोग इसको दिखाएंगे जी, डायमेंशन कैसे दिखाते हैं जी। तो डायमेंशन का सेम रेशियो है जी, 5x10 का रेशियो है सेम टू सेम। तो आप लोग यहाँ से इसको हम लोग क्या कीजिए, यहाँ से इसको ऐसे दिखा देंगे, फिर हमको ऐसे। क्लियर हुआ जी? ये वाला हमारा एरो हेड हो गया, ये सभी क्या है जी, एरो एरो हेड इसको दिखा देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो भी दूरी है जी 27.5 देन 5
देन 27.5, देन ये भी 5 है, उसके बाद इसका डिस्टेंस कितना दिया, टोटल 25, यानी टोटल ऐड कीजिएगा तो आपको टोटल ऐड करने पे आपको 90 आएगा ही आएगा, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसी तरह साइड व्यू का भी सेम प्रोसेस हम लोग दिखाएंगे। साइड व्यू का जो भी मेजरमेंट है इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे जी। यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी दूरी है इसको जो मेजरमेंट दिया है यहाँ पे हम लोग बिल्कुल फ्रेश दिखाएंगे जी इसको। तो यहाँ से हमारा ये दूरी, उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला एरो हेड दिखा दीजिए, यानी जो तीर का चिन्ह होता है वैसा सिंबल यहाँ पे, सॉरी वो संकेत दिखा दीजिए ये वाला, देखिए। उसके बाद ये दूरी है हमारा 20 है, देन ये 5 है, उसके बाद ये हमारा 25 है, फिर 5 है, देन 20। टोटल कैलकुलेट कीजिएगा, 25 तिया 20, 5 25, 25 दूना 50 और 20 5 25, 50 और 25 75, टोटल 25 होगा। तो अब इसको ये वाला हमारा फ्रंट व्यू हो गया जी, देन ये वाला हमारा साइड व्यू हो गया। देखिए ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू मेरा बनके रेडी हो चुका है जी। देन आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जी, अगले स्टेप में हम अब टॉप व्यू बनाएंगे। कहाँ बनेगा टॉप व्यू, बनाने से पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कीजिए। तो चेकिंग बॉक्स हम जानते हैं जी 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, तो आप काउंट कर लीजिए इधर से चांद की सहायता से 45 डिग्री कहाँ आ रहा है जी। तो मेरे हम तो काउंट किए यहाँ पे आ रहा है जी, आप लोग भी सही से काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद साइड व्यू से जो भी रेखा हम लोग ड्रॉ किए वो सभी क्या करेंगे जी, ये चेकिंग बॉक्स का जो लाइन है 45 डिग्री का एंगल, इसमें ला के क्या कीजिए, सबको टच की इसमें अटैच कीजिए जी। जा जब तक इसमें टच नहीं हो रहा है तब तक आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्लियर हुआ जी। तो हम यहाँ से ये हुआ, इसके बाद ध्यान दीजिए उसका सीट स्क्वायर को बैठाइए नीचे, और सीट स्क्वायर को बैठाने के बाद यहाँ से क्या कीजिए, जो भी दूरी है जी, जो भी ये दूरी है हमारा, यहाँ से इसको हम प्रॉपर ऐसे इसको बढ़ा देंगे जी। और उसके बाद ये जो हमारा इधर से है जी, ये जो दूरी है इधर से हम लोग यहाँ से क्या कीजिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। जो भी यहाँ से हम लोग जो फ्रंट व्यू से जो खींचा है ना जी, वो सेम टू सेम दूरी नीचे भी परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ भी हम बढ़ा देंगे सभी को जी, जो भी मार्किंग पॉइंट किया है सभी को। तो ये वाला मेरा यहाँ तक हुआ। देन उसके बाद अब अगला जो ये 45 डिग्री एंगल पे जहाँ पे टच हुआ है जी, इसको भी हम उसी तरह यहाँ से इसको प्रॉपर इसको बढ़ा दीजिए। हमारा ये टोटल यहाँ तक आ गया जी। देन उसके बाद ये भाग है हमारा, देखिए सभी पॉइंट को प्रॉपर यहाँ से एक दूसरे से मिला देंगे जी। ये वाला हमारा इतना तक कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद ध्यान दीजिए टॉप व्यू से हम लोग देखेंगे कौन कौन सा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है जी। तो सबसे पहले टॉप व्यू से क्या दिखाई दे, ये बाहर का क्या है जी, ये सरफेस एरिया जो दिख रहा है जी, ये ब्लैंक है सादा जो दिख रहा है वो साइड आप लोग प्रॉपर ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको डार्क कर दीजिए सभी को, साइड वाला जो व्यू है। देन उसके बाद बीच मिडिल पॉइंट को हम आप लोगों को दिखाएंगे कौन कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है जी। तो ये साइड का सभी लाइन क्या हुआ जी, एक्यूरेट हमारा ड्रॉ हो चुका, क्लियर हुआ। उसके बाद बीच में देखिए, बीच में हमारा 35 का एक ब्लॉक बना, क्लियर हुआ जी। तो बीच में ये है, तो इधर से भी देखिएगा तो 35 होगा जी, और इधर से भी 35 ही होगा, और ये वाला भी दूरी देखेंगे तो 35 ही होगा। ये कौन सा व्यू, ये वाला व्यू है जो ये वाला लाइन हम लोग ड्रॉ कर लें, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए उसका नीचे बीच में भी एक ब्लॉक बना है, ये सभी से क्या 5 mm का दूरी छूटा हुआ है। तो हम यहाँ पे ये वाला छोटा वाला जो वर्गाकार आकृति बनी है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो छोटा वाला वर्गाकार आकृति है इसको ड्रॉ कर लिए, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए उसके बाद ये वाला जो लाइन है हमारा, ये क्या है जी, डॉटेड लाइन था ना, तो हम इसको इसको यहाँ से, देन ये वाला पार्ट है हमारा, यहाँ से ये वाला जो दृश्य है इसको प्रॉपर दिखाएंगे जी। तो ये वाला हमको दिखा चुके हैं यहाँ पे, तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो चुका, क्लियर हुआ जी। ये वाला फिगर हमारा बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, टॉप व्यू है,
तो टॉप व्यू दिखा दीजिए। तो ये वाला फिगर क्या हुआ जी, मेरा बनके रेडी हो चुका है। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी, ऑल डाइमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, ऑल डाइमेंशंस आर इन mm। उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ये वाला हमारा ये था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और हम लोगों ने देख लीजिए यहाँ पे ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है जी। यहाँ से आप चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको प्रॉपर देख के वाच कीजिए। क्लियर हुआ जी, देख रहे हैं ना इसमें और इसमें कितना का फर्क दिख रहा है। सिर्फ फर्क कोई नहीं है, सिर्फ ये वाला जो दृश्य बना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ बन गया जी, कॉर्नर में। तो क्लियर हुआ जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और उसका आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफी लेकर।